बेवजह परेशान करने का काम तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देश बड़ा है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति होता है। तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ईडी जैसी मतलब महत्वपूर्ण संस्था पे दबाव बनाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा के 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। दंगा हम तो पूरा मुक्त उत्तर प्रदेश रख के 5 साल एक भी दंगा नहीं हुआ। वह तो चाहते थे कि दंगे हो जाएं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन हम दंगा मुक्त रखते हैं, अपराध मुक्त रखते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लगातार जीत रहे हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 17 जीते, 22 जीते, 24 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। थोड़ा अहंकार है उनको, लगता है कि केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के खानदान के अलावा पिछड़े वर्ग में कोई नेता ही नहीं है और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति बोले ही नहीं। उनकी इच्छा ये थी, लेकिन हम लोग तो कभी अशिष्टता नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं, हम सदैव दुश्मन भी होता है तो उसे आदर के साथ, वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम आदर के साथ बोलते थे। सर, आजम खान ने कहा है कि योगी जी ने हमें नंबर 1 का माफिया बना दिया। देखिए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं पुलिस स्टेशन अंतिम स्थान नहीं होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है। तो जिसको कोई शिकायत है सरकार से, कोई उनके खिलाफ मुकदमा है, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो निर्णय करेगा सरकार स्वीकार करेगी। अभी देखेंगे, अभी ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं।